दरअसल मैं आपको इतने कॉल्स कर रही थी, आप अपना फोन भी घर छोड़ गए थे, इस पे बहुत फोन भी आ रहे थे। भाईजान, आप रमशा के लिए इतना परेशान होंगे तो इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। देखिए, खुदा ना खास्ता अगर रमशा के साथ कोई हादसा हुआ होता, कोई एक्सीडेंट, तो हॉस्पिटल से तो फोन आ ही जाता। आप मेरी एक बात मानेंगी? हाँ बोलो। मामा, वो आप उन लोगों को कॉल करके बोल देंगे वो रमशा को मार दें। पागल हो गई हूँ? मैं सच तो कह रही हूँ, वो मरेगी तो मेरी जिंदगी में सुकून होगा, वरना मैं इसी तरह परेशान रहूंगी। आप उसको मरवा दें। पागल वास्ता, चुप हो जाओ, आहिस्ते बोलो। किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। तो फिर डॉक्टर साहब, भाईजान कैसे ठीक होंगे, क्योंकि ना वो सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना प्रॉपरली मेडिसिन ले रहे हैं। तो बहुत टेंशन हो रही है। देखें, कासिम की आंखों में मैंने जीने की उमंग नहीं देखी। यही मोहब्बत करके तो तुमने मेरे सलमान को फांसा है ना? बीवी अगर शौहर से मोहब्बत करे तो उसे फांसना नहीं कहते। लेकिन जब बेटा अपनी माँ को भूलकर सिर्फ बीवी का हो जाए तो उसे फांसना ही कहते हैं। वो आज मैंने छोटी बीबी साहिबा के हाथ में एक ब्रेसलेट देखा था। क्या? और देखते ही वो पुराना वक्त याद आ गया, जब वकार साहब ने अपनी बेटी को वो ब्रेसलेट पहनाया था। बिल्कुल ऐसा ही था, है ना बेगम साहिबा? सरोज को मुझसे उलझने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती सलमान। लेकिन कोई तो वजह होगी ना। बस मैंने सिर्फ उससे इतना पूछा था कि तुम्हारा डिनर कैसे रहा, तुम्हारा मूड कैसा था सलमान के साथ। उसने आपको बताया नहीं कि बहुत अच्छा था? उसका लहजा ऐसा था जैसे जैसे मुझे उससे पूछने का कोई हक नहीं है। और जो मॉम के दिल पे चोट लगी हो? उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन है जिम्मेदार? वो खुद है जिम्मेदार, क्योंकि वो हर बात को खुद से अज्यूम कर लेती हैं। जैसे कि तुमने मुझे कठेरे में खड़ा कर दिया। तुम सवाल करते हो, मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। हमाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुम्हें हमाद के सोचने की फिक्र और मेरा कोई ख्याल नहीं, जिसे तुम बताए बगैर चले गई। एटलीस्ट तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकती थी मन्नत। क्या मैं इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारे उस हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं? तो क्या करेंगी, फिर भी तो सब कुछ हाथ से निकलना ही है ना। ये बात भूल जाएं कि आप ममता की कसम देके खड़े खड़े मन्नत को तलाक दिलवा देंगे। और ये जमाना पुराना हो गया पप्पू जी, आप ना मन्नत को मजबूर करो कि वो खुद घर छोड़ के चली जाए। लेकिन ध्यान से, मुराद को इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हो? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए। माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैंने इन्हें सिर्फ ये
फाइज और मैं नासिर के घर जाके बात कर रहे हैं। अपने घर वालों की जिम्मेदारी वो खुद ले रहे हैं। मुझे तुम्हें पूरा यकीन दिलाया कि उसका ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। अम्मी को उनकी मर्जी के खिलाफ किसी बात पर आमादा करना इतना आसान नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा सा सब्र से काम लेना। शादी से चार दिन पहले बात कहना आपको जेब नहीं देता? आपकी वालदा क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, ये आपका और उनका मसला है। मुझे मुनाफिकत नहीं आती। बाइज्जत कहलाने वाले लोग, करीम कहलाने वाले लोग, वो असल में कितने छोटे और बेवकत हैं। गरीब को हकीर कहकर भी उनकी मदद किए बगैर उनको खाली हाथ लौटा देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को अपने आप को साहिब हैसियत कहने से शर्म नहीं आनी चाहिए? बस बंद करो। था बेखबर मैं तो गुमनाम था, मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से। सुन ले तेरी हर खुशी के लिए, ये जहां वार दूं मैं तेरे नाम से। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हम सा कोई जिया ना होगा। सलमान बार बार माफिया मांग रहा था, कह रहा था मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो, एक और मौका दे दो, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को उसका हक दूंगा, तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी ज्यादती नहीं करूंगा। तो पर तुमने क्या सोचा? मैं यहाँ नहीं रह सकती, या तो आप मुझे अम्मी के पास छोड़ के आए या अम्मी को यहाँ लेके आए। पागल हो गई, अरे पागल हो गए सारे घर में, जिसको देखो घर से भागने की पड़ी है। खैरियत है? कोई खैरियत नहीं है अब्बा, ये क्या हो रहा है घर में? देखिए अगर आप मुझे नहीं छोड़ के आएंगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने तुम्हें तो चीख चीख कर कह देते कि इसे नौकरी करवानी है, एटीएम बनाना है। अब जरा सी बुराई है तो कैसे हाथ झाड़ के पीछे खड़े हो गए हो? हाथ झाड़े यार, जा माफी मांग उसे पैर पकड़ के। कितना घटिया आदमी है तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें मेरी दावेदार बन के रहना पड़ेगा, मेरी वफादार बन के रहना पड़ेगा। केस की तमाम तफसीलात सुनने और सबूतों को देखने के बाद ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मायरा राशिद। कैसे मांगू टू